नमस्कार, मैं हूं शिवानी। नॉनस्टॉप 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और विदेश की प्रमुख खबरें। गुवाहाटी के नीलांचल पहाड़ी पर स्थित मां कामाख्या का मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक है, जहां 10 महाविद्याएं विराजित हैं। नवरात्रि में यहां भारी भीड़ देखी जा सकती है। अंबुवाची मेला हर साल जून में यहां मनाया जाता है, जब मंदिर 3 दिन के लिए बंद रहता है। इस दौरान भक्तों को विशेष प्रसाद वितरित किया जाता है। श्मशान में तांत्रिक साधना और उत्सव भी चलता है, जहाँ लोग विभिन्न अनुष्ठानों में भाग लेते हैं। क्लाउडिया शीनबाम ने मैक्सिको सिटी में देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। वे मैक्सिको की 66वीं राष्ट्रपति बनी और शपथ लेते ही बढ़ती आपराधिक हिंसा को समाप्त करने की दृढ़ता व्यक्त की। इससे पहले वे मेयर और एक वैज्ञानिक थी। 62 वर्षीय क्लाउडिया ने 6 साल के कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण किया है। पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस के पूर्व सांसद मोहम्मद अजहरुद्दीन मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी के रडार पर हैं। उन्हें हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े 20 करोड़ रुपए की हेराफेरी के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अजहरुद्दीन जो 2019 में एचसीए के अध्यक्ष बने थे, पर 2021 में आरोप लगे थे इन पर। ईडी ने इस मामले में कई स्थानों पर छापेमारी भी की है। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाई, जिसमें ईशा फाउंडेशन के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की अनुमति दी गई थी। मामले की सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी। यह आदेश सेवानिवृत्त प्रोफेसर एस कामराज की याचिका पर आया, जिन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी बेटियों को फाउंडेशन में बंधक रखा गया है। शेयर मार्केट में हड़कंप मचा हुआ है, जहां सेंसेक्स 1600 अंकों से अधिक गिरकर 82,663 पर आ गया है। इस गिरावट के साथ निफ्टी भी 468 अंकों की कमी के साथ 25,328 पर पहुंच गया है। एनएसई पर केवल 633 स्टॉक्स हरे निशान में हैं, जबकि 2,120 स्टॉक्स लाल निशान में दिखाई दे रहे हैं। आईफा 2024 में हेमा मालिनी ने शाहरुख खान की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने ही शाहरुख को पहली फिल्म दी थी। हेमा ने कहा कि लोग उनसे चाहते हैं कि वे उन्हें भी स्टार बना दें, लेकिन हेमा मालिनी ने शाहरुख की मेहनत को सराहा। शाहरुख ने भी हेमा का आभार जताया। इस पर लोग हेमा को ट्रॉल कर रहे हैं, यह कहते हुए कि उन्होंने अपनी बेटी को यह आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। छत्तीसगढ़ पुलिस एसआई भर्ती में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश से अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट मिलेगी। यह छूट केवल 2024 की भर्ती के लिए है, जिससे अधिकतम आयु 45 वर्ष होगी। सभी ग्रेजुएट युवा सब इंस्पेक्टर, सूबेदार और प्लाटून कमांडर पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। हाल ही में 806 पदों पर भर्ती के लिए स्वीकृति मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल भी शारदीय नवरात्रि के दौरान 9 दिनों का व्रत रखेंगे, जो उन्होंने पिछले 45 वर्षों से जारी रखा है। उन्होंने देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए मां शैलपुत्री की स्तुति का वीडियो साझा किया, जिसमें उन्होंने कहा कि देवी मां की कृपा से सभी का कल्याण हो। उनका संदेश श्रद्धालुओं में आस्था और उत्साह का संचार कर रहा है। रेलवे भर्ती सेल आरआरसी ने ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार 19 अक्टूबर तक wcr.indianrailways.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 30 से 33 वर्ष होनी चाहिए। कक्षा 10वीं और ITI सर्टिफिकेट आवश्यक है। चयन लिखित परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर होगा। आवेदन शुल्क सामान्य और OBC के लिए 500 रुपये और अन्य श्रेणियों के 250 रुपए हैं। भारतीय सराफा बाजार में सोना 75,000 रुपए के पार और चांदी 90,000 रुपए से अधिक है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 3 अक्टूबर 2024 को 24 कैरेट शुद्ध सोने की कीमत 75,762 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है, जबकि बुधवार को यह 75,515 रुपए थी। चांदी की कीमत भी बढ़कर 90,930 रुपए प्रति किलो हो गई है। नवरात्रि के पहले दिन अगर आप 10 लाख रुपए तक की नई गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो मारुति सुजुकी स्विफ्ट जो कि 6,49,000 से 9,59,000 के बीच है, वहीं हुंडई एक्सेटर आपको 5,99,000 से लेकर 10,42,000 के बीच मिल जाएगी। वहीं टाटा पंच 6,12,000 से लेकर 9,99,000 के बीच मिल जाएगी। वहीं महिंद्रा XUV 3
भी 107,19,000 के से लेकर 15,49,000 के बीच में मिल जाएगी। वहीं किया सोनेट आपको 7,99,000 से लेकर 14,91,000 के बीच आपको मिल जाएगी। और ऐसे मॉडल्स आपके लिए 10,00,000 के बजट में उपलब्ध हैं। ये सभी गाड़ियां फेस्टिव सीजन में खरीदने के लिए बेहतरीन विकल्प हैं। ईरान द्वारा इसराइल पर रॉकेट हमले के बीच भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका में अपनी बैठकें जारी रखे हुए हैं। उन्होंने अमेरिकी विदेश सचिव एंटनी ब्लिंकन के साथ 3 बार मुलाकात की, जिसमें पश्चिम एशिया के संघर्ष, सेमीकंडक्टर और ग्रीन एनर्जी पर चर्चा की गई। जयशंकर का उद्देश्य भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की संभावनाएं तलाशना है, खासकर सेमीकंडक्टर क्षेत्र में। ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने तकनीक में बड़ा मुकाम हासिल किया है और वह दुनिया के टॉप 5 देशों में शामिल हो गया है 3rd स्थान पर पहुंचकर। और वहीं 2023 में भारत ने 64 तकनीकी क्षेत्रों में से 45 में शीर्ष रैंकिंग हासिल की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी भारत 3rd स्थान पर है, जबकि चीन और अमेरिका पहले 2 स्थान पर हैं। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने CAQM को फटकार लगाई है। कोर्ट ने पराली जलाने की घटनाओं पर कार्रवाई न होने पर नाराजगी जताई और पूछा कि इस साल 129 घटनाओं में से एक पर भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई। पंजाब सरकार ने कहा कि छोटे किसानों को सब्सिडी की जरूरत है, लेकिन कोर्ट ने पूछा कि दिल्ली क्यों सब्सिडी दे। कोर्ट ने बेहतर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश भी दिया है। नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी ने 3 अक्टूबर 2024 को 2 एस्ट्रॉयड 2024 SD3 और 2024 SR4 का पता लगाया है, जो धरती के पास से गुजरेंगे। वैज्ञानिकों ने बताया है कि इनमें से किसी भी एस्ट्रॉयड से खतरा नहीं है। 2024 SD3 का आकार 68 फीट है, जबकि SR4 का आकार 51 फीट है। दोनों एस्ट्रॉयड सौर मंडल के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। गूगल ने आज गूगल फॉर इंडिया इवेंट में कई नई सेवाएं लॉन्च की। इनमें जेमिनी लाइव, AI समराइज्ड रिव्यूज और गूगल लेंस विद वीडियो शामिल हैं। गूगल पे में UPI सर्किल और गोल्ड लोन की सुविधा भी आई है। स्वास्थ्य ज्ञान पैनल और AI स्किल हाउस जैसे प्रोग्राम भी प्रस्तुत किए गए हैं, जिससे भारत में AI का विकास और शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हुई है और भारतीय रेलवे ने त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए नई ATAS अल्टरनेट ट्रेन अकोमोडेशन स्कीम योजना शुरू की है। इस योजना के तहत अगर किसी को अपनी मनपसंद ट्रेन में कंफर्म टिकट नहीं मिलता तो उसे अन्य ट्रेनों के विकल्प दिए जाएंगे, जिससे सफ़र आसान होगा। पश्चिम बंगाल की भाजपा नेता रूपा गंगोपाध्याय को बांसद्रोणी थाने में रात भर धरने के बाद गुरुवार सुबह यानी आज सुबह गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उन्हें लाल बाजार के सेंट्रल लॉकअप में रखा है। रूपा ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें वॉशरूम जाने की इजाज़त नहीं दी। उनका धरना सड़क हादसे के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर था। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, लेकिन इसका नोटिफिकेशन 15 अक्टूबर को त्योहारी सीजन में जारी हो सकता है। इस योजना के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट से पहले की 12 महीने की बेसिक सैलरी और DA का औसत एश्योर्ड पेंशन के रूप में मिलेगा। UPS पे सरकार 18.5% योगदान देगी, जो NPS इससे अधिक है। 23,00,000 कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने हाल ही में भारत सहित 5 देशों के राजनयिकों को ढाका लौटने का आदेश दिया है। यह कदम प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे और राजनीतिक अस्थिरता के बीच उठाया गया। विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने भारत के साथ रिश्तों को मजबूत बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में जाति आधारित भेदभाव पर सख्त रुख अपनाया है। राज्यों को निर्देश दिया कि वे 3 महीने में जेल मैनुअल बदलें। कोर्ट ने कहा कि कैदियों से जाति पूछने का कॉलम नहीं होना चाहिए, जिससे संविधान के अनुच्छेद 15, 17 और 23 का उल्लंघन हो रहा है। CJI ने जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए न्यायालयों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि यह औपनिवेशिक काल का अवशेष है। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के जयंती पर कंगना रनौत के एक विवादास्पद पोस्ट ने सियासी हलचल मचा दी। उन्होंने लिखा कि देश के पिता नहीं, देश के तो लाल होते हैं, जिससे गांधी जी की महत्ता को कम दर आका गया।
कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने कंगना की आलोचना की। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनेत ने इसे भद्दा तंज बताया, जबकि बीजेपी के मनोरंजन कालिया ने कहा कि कंगना को विवादित बयानों से बचना चाहिए। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक, जो 1 सितंबर को लद्दाख से पदयात्रा पर निकले थे, सोमवार को दिल्ली पहुंचने पर हिरासत में लिए गए। 150 लोगों के साथ राजघाट पर श्रद्धांजलि देने के बाद उन्हें रिहा किया गया। वांगचुक ने सरकार को लद्दाख की स्थिति पर ज्ञापन सौंपा और राज्य का दर्जा व संविधान की 6वीं अनुसूची की मांग की। पुलिस ने बताया कि इकट्ठा होने पर रोक की वजह से उन्हें हिरासत में लिया गया था। बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश ने दिसंबर 2023 में आयोजित ऑड सेमेस्टर परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। छात्र अपने मार्कशीट चेक और डाउनलोड करने के लिए बीटीई यूपी की आधिकारिक वेबसाइट btyup.ac.in पर जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अक्टूबर को महाराष्ट्र के ठाणे में मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना और महिला सशक्तिकरण मिशन के कार्यक्रम में भाग लेंगे। यह योजना 2.5 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह सहायता प्रदान करती है। मोदी इस दौरान मुंबई के मेट्रो के तीसरे फेज का उद्घाटन भी करेंगे, जो आरए और बीकेसी के बीच 12.5 किलोमीटर लंबा होगा। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया है और आप सांसद हरभजन सिंह के बंगले में शिफ्ट हो गए हैं। सिसोदिया ने दिल्ली की शराब नीति घोटाले के आरोपों के चलते इस्तीफा दिया था। वहीं आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल भी 4 अक्टूबर को अपना सरकारी बंगला खाली करेंगे और सांसद अशोक मित्तल के बंगले पर रहेंगे। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर ईरानी कप के दौरान बीमार पड़ गए हैं और उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तेज बुखार के चलते उनका मलेरिया और डेंगू टेस्ट हुआ, रिपोर्ट का इंतजार है। शार्दुल ने मुंबई के लिए 36 रन बनाते हुए 73 रनों की साझेदारी की थी। इस बीच मुंबई ने पहली पारी में 537 रन बनाए। आपूर्ति विभाग और राशन दुकानदारों की मिलीभगत से लंबे समय से फर्जी राशन कार्ड पर हेराफेरी की जा रही थी। नई सरकार ने 21 अगस्त से सभी राशन कार्ड का ई आधार KYC काम शुरू किया है, जिसमें जिले में 65% कार्ड का काम पूरा हो चुका है। कुल 4,25,909 लोगों को राशन कार्ड मिला, जबकि 14,86,300 नामों पर राशन सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक राजधानी में 5 या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर लगाए गए प्रतिबंध को वापस ले लिया गया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ को यह जानकारी दी। यह प्रतिबंध कालकाजी मंदिर के पुजारी द्वारा चुनौती दी गई थी, जिसने सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया था। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनका नाम है संजीव कुमार, नौशाद रजा, धनंजय कुमार, बाबूलाल मरांडी, सपना कुमारी और संजीव कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि क्या आप भी AI का इस्तेमाल करते हैं? अगर हाँ तो सबसे ज़्यादा AI का इस्तेमाल आप किस लिए करते हैं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।